मेरा नाम डॉक्टर लोकेश वीरप्पा है। मैं मणिपाल हॉस्पिटल एचएएल एयरपोर्ट रोड बैंगलोर में कंसल्टेंट के तौर पे काम करता हूँ। हमें ये तो पता है कि कोरोना वायरस पिछले 3-4 महीने से कैसे हमारी जिंदगी को अस्त व्यस्त किया है, कैसे हमारे जिंदगी में हलचल मचाया है, बट ये तो अभी जाने वालों में से नहीं है। ये तो अभी और कुछ महीने रहेंगे और कुछ एक साल तक भी रह सकता है। तो कोरोना वायरस के होते हुए भी कैसे हम अपनी रोजमर्रे की जिंदगी या रोज का काम कैसे निपटाए, कैसे चिकित्सा करें, कैसे ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट कर सके, इसके बारे में हम आपको कुछ जानकारी देना चाहते हैं। हमारा मणिपाल हॉस्पिटल में अब तक ड्यूरिंग लॉकडाउन के समय पर हमने सिर्फ तुर्त चिकित्सा माने इमरजेंसी प्रोसीजर्स करते थे। अभी निर्वाचित सर्जरी माने इलेक्टिव सर्जरी मतलब प्लान करके करने वाले सर्जरीज शुरू किया है। तो प्लान करके करने वाली सर्जरीज का मतलब है जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी हो गया, या की होल सर्जरी या आर्थ्रोस्कोपी सर्जरी हो गया, या आपकी नी प्रॉब्लम्स या शोल्डर प्रॉब्लम्स, ये सबको ट्रीट करने वाला जो सर्जरीज होते हैं, इसको जो निर्वाचित करके करते हैं माने प्लान करके जो करते हैं, ऐसे सर्जरीज को हमने शुरू किया हुआ है। तो कैसे हम हमारी जो वातावरण जो है अस्पताल के वातावरण को आपकी सेहत के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए कैसे हम अनुकूल किया हुआ है, उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। अब जैसे ही हमारे हॉस्पिटल एंट्री करेंगे, एक थर्मल स्कैनिंग किया जाता है जिसमें आपको बुखार वगैरह है तो पता लग जाएगा, और एक प्रोफॉर्मा दिया जाएगा जिसमें आप रिसेंट ट्रैवल किया हुआ है तो वो सब आपको बताना पड़ता है। फिर उसके बाद हमारे जो लिफ्ट एरिया में, लिफ्ट के अंदर और ओपीडी के क्यू में, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट की क्यू में और आउट पेशेंट डिपार्टमेंट की वेटिंग एरिया मतलब डॉक्टर को मिलने से पहले जो आप बैठते हैं, उस जगह पे भी सोशल डिस्टेंसिंग या सामाजिक दूरी को बनाए रखने की पूरी कोशिश किया गया है। और इसके अलावा हमारे जो सारे जो चेयर्स, टेबल्स, कॉमन एरियाज जहाँ पे आप चलते हैं, जहाँ बैठते हैं, उसको हम फ्रीक्वेंटली मतलब दिन में 4-5 बार उसको साफ करते हैं। जो सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन जो प्रिस्क्राइब किया गया है, उस सॉल्यूशन से हम साफ करते हैं ताकि आप सुरक्षित हमारे यहाँ इलाज करा सके। जिनको हमारे यहाँ सर्जरीज कराना है बट आपको यहाँ आने के लिए असुविधा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना होते हुए आपको यहाँ आने के लिए मुश्किल हो रहा है, आपको हमारी तरफ से कुछ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज भी हमने इंतजाम किया हुआ है। आप बेझिझक बिना फिक्र के हमारा मणिपाल हॉस्पिटल्स में आके आपका ऑर्थोपेडिक्स प्रॉब्लम्स का इलाज करा सकते हैं। ये मैं दावे से कह सकता हूँ कि हमारा हॉस्पिटल एक सुरक्षित और साफ वातावरण है आपको कोरोना वायरस से बचने के लिए और कोरोना वायरस से दूर होते हुए ट्रीटमेंट लेने के लिए।